Honor 300 ये एक ऐसा फोन है कि ऐसा बोला जा रहा है कि इसका कैमरा का जो कटआउट है वो बहुत ही ज्यादा अतरंगी है, देखने में भी बहुत जबरदस्त लग रहा है। लेकिन ये फोन पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है, पता तो बताइए, नहीं पता तो हम आपको बताते हैं। एक नंबर में है आईफोन 15 प्रो मैक्स आज के टाइम में, उसके बाद सैमसंग का S24 अल्ट्रा और फिर गूगल का पिक्सल 8 प्रो। आपके हिसाब से कौन बेस्ट है इन तीनों में से कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम रजा खान, आप देख रहे टेक बॉक्स। बात करते हैं पोल की। हमने आपसे पूछा था कि भैया इनमें से कौन सा चीज आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो 54% लोगों ने कहा इंस्टाग्राम, 25% लोगों ने कहा कि भैया हम क्रोम यूज करते हैं, और कुछ 17% लोग ऐसे हैं जो बात करते हैं कि टेलीग्राम हम यूज करते हैं, और 4% लोग इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं। समझ रहे हो, जो काफी अच्छी बात है। आप इनकॉग्निटो मोड यूज करते हैं या नहीं कमेंट में जरूर। तो चलिए पहले अपडेट के तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं ट्राई एक नया तरह का फीचर्स लाने वाला है जिससे स्कैम कॉल को बहुत ही ज्यादा रोका जाएगा, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वहीं अगली अपडेट आ रही है 15 अगस्त से। 15 अगस्त को ऐसा बताया जा रहा है कि ओला के तरफ से ओला का इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च होने वाला है 15 अगस्त को, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आप लेना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है AGM मीटिंग जो जियो का होता है, मतलब रिलायंस का जो AGM मीटिंग होता है, 47 AGM मीटिंग होने वाला है जो 29 अगस्त को होगा, और इसमें हो सकता है कि इनका जो फ़ोन है 5G वाला फ़ोन वो लॉन्च हो जाए, या फिर कुछ नई फीचर्स लॉन्च हो जाए, या फिर रिचार्ज का प्राइस कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मज़ा आ जाएगा। वैसे आप हमारे साथ बने रहिए, स्टूडियो ऑन करिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपको सारी डिटेल्स ज़रूर देंगे। अगली अपडेट आ रही है आईफोन 16 की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि आईफोन 16 का बैक केस देखा जा रहा है जो देखने में कुछ इस तरह का लग रहा है। इसमें से कौन 16 है और 16 प्रो कौन सा है कमेंट में जरूर बताइए। वक्त होता है आपके सवाल लेने का। सौरभ भाई का सवाल है, भाई ये इनकॉग्निटो मोड क्या है? इनकॉग्निटो मोड वो चीज़ है जिसमें आप कोई भी चीज़ को सर्च करेंगे, मतलब गूगल में जाकर क्रोम में जाकर अगर इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेंगे तो जब तक आप यूज़ करेंगे तब तक रहेगा, जैसे ही आप मिनिमाइज़ करेंगे तो वो हट जाएगा। इस तरह का फीचर्स लाता है, मतलब इसमें डेटा जो है पता नहीं चलेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और ये डेटा सेफ भी नहीं होता, इस तरह की कुछ अपडेट है, इसीलिए इनकॉग्निटो मोड यूज़ किया जाता है। आप लोग क्यों यूज़ करते हैं आप लोग को पता है। अगली अपडेट आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी जो है एक नया तरह का 7500 mAh की बैटरी पे काम कर रहा है जो 100 वाट का एडेप्टर से लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि 63 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा, इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है शाओमी का 14T के तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है Geekbench पर लिस्ट हो गया है Dimensity 8300 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर इसमें देखने को मिलेगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है रेडमी का नोट 14 के तरफ से, इंडिया के BIS में लिस्ट हो गया है, बहुत ही अमेजिंग बात है, बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिलेगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है पोको F7 के तरफ से, GSM अरीना में ये लिस्ट हो गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो फ़ोन है Redmi Note Turbo 3 इस तरह का कोई फोन है जो चाइना में लॉन्च हुआ था, उसी का रीब्रांड वर्जन इंडिया में होगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है 14 अगस्त रियलमी का बहुत बड़ा दिन हो सकता है क्योंकि 300 वाट फास्ट चार्जिंग को ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, इस तरह की कुछ अपडेट है। अगली अपडेट जो है बहुत ही शॉकिंग खबर है, रियलमी 13 4G इंडोनेशिया में लॉन्च हो गया है। प्राइस के बारे में बात किया जाए तो ये लॉन्च हुआ है लगभग 12,000 रुपये में इंडियन मनी के हिसाब से। बात करते हैं इसमें क्या है, स्नैपड्रैगन 685 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के साथ, 50+2 का रियर कैमरा, 16 का सेल्फी, 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग, काफ़ी ज़्यादा है। आपको जो भी लगता है इससे रिलेटेड प्राइस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है सैमसंग की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि सैमसंग जो है अपने सर्विस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाला है और होम टू डोर इस तरह का कुछ फीचर्स लाने वाला है, मतलब घर में ही बन जाएगा आपका फोन, इस तरह की कुछ अपडेट है। अगर आता है तो कैसा लगेगा आपको कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है आईकू का TWS बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है जो काफी अमेजिंग रहेगा। वहीं आईकू का Z9S ये जो फोन है इसमें 4100 nits पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा डिस्प्ले का, इस तरह की कुछ अपडेट है। कैसा लगेगा और कर्व डिस्प्ले के साथ आ रहा है, जबरदस्त लगेगा, आपको जो भी लगता है जरूर बताइए। अगली अपडेट आ रही है वन प्लस का ऑक्सीजन OS। ऐसा बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड 14 के साथ इसका कुछ लिस्टिंग आ गई है जिसमें आप डिवाइस लिस्ट देख सकते हैं वीडियो रोककर। अगर आपके पास वन प्लस का फोन है और एंड्रॉइड 14 का जो नया अपडेट आया उसके बारे में बात हो रहा है तो देख सकते हैं, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। अगली अपडेट आ रही है मोटोरोला का S50 ये जो फोन है टीना में लिस्ट हो गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि Dimensity 7300 के साथ आएगा, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल।
लीजिए। अगली अपडेट आ रही है HMD की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि बारबी गर्ल करके इनका एक फोन है जो टेना में लिस्ट हो गया है, जो देख सकते हैं पिंक पिंक दुनिया दिख रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर। अगली अपडेट आ रही है टेक्नो स्पार्ट 30 की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है CC सर्टिफिकेशन में ये लिस्ट हो गया है 18 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ। जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगली अपडेट आ रही है गूगल पिक्सल 9 प्रो की तरफ से। ऐसा बताया जा रहा है कि 9 प्रो का प्राइस जो होगा वो 8 प्रो से काफी ज्यादा महंगा होगा। इस तरह की कुछ अपडेट निकल के आ रही है, जब आएगा तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों टेक न्यूज होती है खत्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी सवाल है कमेंट में पूछिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।